नया नियम 27 पुस्तकों का एक संग्रह है जो बताता है कि इज़राइल का उद्धारकर्ता अर्थात मसीहा नासरत का यीशु था, और यह उद्धारकर्ता न केवल यहूदियों को बल्कि सभी मानव जातियों को बचाने के लिए आया था। ये शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह के प्रेरितों और उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। नए नियम की पुस्तकों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, सुसमाचार, इतिहास की पुस्तक, पत्रियां और भविष्यवाणी की पुस्तक। नया नियम की पहली 4 किताबें हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यहुन्ना। ये 4 किताबें सुसमाचार के नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह का जन्म, सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये है सुसमाचार के मुख्य विषय। मत्ती, मरकुस, लूका, इनकी समानता के कारण इन्हें समांतर सुसमाचार कहा जाता है। इतिहास की पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु के प्रेरितों और शिष्यों के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा के कार्य की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है। इसमें प्रेरितों और चेले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और रोम के शहरों में परमेश्वर की शक्ति से यीशु की गवाही दे रहे हैं। कलीसिया मसीह में संपूर्ण होने के लिए पत्री पत्र के रूप में प्रेरितों और चेले द्वारा दी गई सलाह और निर्देश हैं पत्रियां। नए नियम की 21 पुस्तकें लेख हैं। अध्ययन के माध्यम से इन लेखों को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, पौलुस के पत्र, सामान्य लेख। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे गए 14 पत्र हैं। पौलुस के पत्र वो यह हैं रोमियो, 1 कुरंथियो, 2 कुरंथियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो, 1 थिसलोनिकियो, 2 थिसलोनिकियो, 1 तिमिथियुस, 2 तिमिथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियो। 1 शताब्दी के अंत में विभिन्न कलीसिया और व्यक्तियों के लिए लिखे गए निर्देश और उपदेश हैं सामान्य लेख। याकूब, 1 पत्रस, 2 पत्रस, 1 यहुन्ना, 2 यहुन्ना, 3 यहुन्ना, यहूदा। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार प्रेरित यहुन्ना द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। इनमें इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इनके विषय में जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक की सामग्री कलीसिया के आगामी परिवर्तन, यीशु मसीह की वापसी, न्याय और नए यरूशलेम के बारे में लिखा है।